मेरा नाम है अंजना। हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला इडली और मसाला डोसा। अब हम इडली और डोसे का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमको चाहिए 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल, जिसको हमने 4-5 घंटों के लिए भिगो के सोक कर लिया है। ऐसे सोक हो गया है। और डोसे के अंदर अलग से मैंने 1/2 कटोरी चने की दाल भिगोई है, जो हम डोसे के बैटर में डालने वाले हैं। हमारा इडली और डोसे का घोल रेडी हो चुका है। अब मैंने इडली के घोल में 1 कटोरी दही डाला है और डोसे के घोल में 1/2 कटोरी चने की दाल। ये हमारा इडली का घोल है और ये हमारा डोसे का घोल है। इसको 5 और 6 घंटे के लिए हमको ऐसे ही ढक के रखना है, खमीर उठने तक। हम बनाएंगे मसाला इडली का मसाला, आलू का मसाला। हमारा इडली वाला बैटर रेडी हो चुका है। हमें 5-6 घंटे के लिए इसको रेस्ट दिया था। ये देखो कितना अच्छा खमीर हो गया। ये देखिए हमारा डोसे का बैटर भी रेडी हो चुका है। रेस्ट दिया था 5-6 घंटों के लिए। ये देखो कितना अच्छा से रेडी हुआ। अभी हम बना रहे सांभर की ग्रेवी। इसके लिए चाहिए हमको एक हरी मिर्च, थोड़ा अदरक का टुकड़ा और 1 टमाटर। हमने इन तीनों प्लेट इडली वाली प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम आलू के बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए हम बॉल्स बनाने हैं। अब हम इसमें पानी डाल के बॉईल करेंगे। अब हम बना रहे हैं मसाला इडली। इसके लिए हमको थोड़ा सा
ये हमारे सांभर की दाल बॉयल होकर रेडी हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच स्पून ऑयल, हमने राई डाली है, अब इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, हम इसमें डालेंगे थोड़ी दाना मेथी, इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटर, हरी मिर्ची का पेस्ट, इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1-1.5 चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, इसमें डालेंगे थोड़ा सांभर का मसाला, ये हमारा ग्रेवी तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दाल, अब हम इसमें डालेंगे बॉयल सांभर, देखिए हमारा सांभर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, खटास के लिए हम डालेंगे इमली प्योरी, हमने इमली प्योरी डाल दी है। अब हमारा सांभर बॉयल होने वाला है, ये हमारा सांभर रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी इडली रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, ये लो फ्रेंड्स हमारे मसाला इडली और मसाला डोसा रेडी हो चुका है, एंजॉय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।